जैसे ही आप अपनी फेसबुक आईडी डिलीट करेंगे तो आपका पेज भी वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा फेसबुक अकाउंट के बारे में। देखिए भाई, आपने देखा होगा कि आपके फेसबुक पर एक से ज्यादा फेसबुक अकाउंट हैं, वो कैसे बनते हैं। जैसे आपने कोई अपना फेसबुक अकाउंट बनाया हुआ है और आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो आप उसका पासवर्ड फॉरगेट नहीं कर पाते और वहीं पर आप दूसरा अकाउंट जो है क्रिएट कर लेते हैं, या आपका मोबाइल नंबर खोया जाता है, आप उसको दूसरा मोबाइल नंबर लेते हैं तो उससे आप दूसरे अकाउंट आईडी बना लेते हैं, मतलब दूसरी फेसबुक प्रोफाइल बना लेते हैं, तो वहां पर आपकी एक से ज्यादा फेसबुक प्रोफाइल हो जाती है, मतलब फेसबुक अकाउंट जाते हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आपका जो फालतू फेसबुक अकाउंट है उसको आप कैसे डिलीट करें। आप जैसे ही वहां पर जाते हैं तो आपको वहां पर कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल को कैसे डिलीट करें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी फालतू फेसबुक अकाउंट को, फालतू फेसबुक आईडी को कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो भाई सारी सेटिंग आपको मोबाइल की डिस्प्ले पर बताऊंगा, बस आपको भाई वीडियो पूरा देखना है, स्टेप टू स्टेप आपको सीखना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया तो आपसे भाई सेटिंग छूट जाएगी और फिर आप कहोगे कि मेरा तो फेसबुक अकाउंट डिलीट हो रहा है। तो चलो चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले पर, मैं आपको सारी सेटिंग बताऊंगा। उससे पहले भाई आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। चलो चलते हैं मोबाइल की डिस्प्ले पर। तो देखिए भाई, ये आ गया हूं मैं अपने मोबाइल की डिस्प्ले पर। अब मैं आपको यही सारी सेटिंग बताऊंगा कि आप कैसे अपना फालतू फेसबुक अकाउंट, जो आपका एक से ज्यादा फेसबुक अकाउंट है, जो जिसको आप यूज नहीं करते हैं और सबके सामने वो फेसबुक अकाउंट आता है, तो आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपको अपने फेसबुक अकाउंट पर चले जाना है। यहां पर जाने के बाद आपको भाई ऊपर प्रोफाइल वाले सेक्शन पर चले जाना है। देखिए ये जो ऊपर प्रोफाइल वाला लोगो आपको शो हो रहा है, आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आना है सेटिंग एंड प्राइवेसी में। जैसे ही आप यहां पर आएंगे तो आपको यहां पर एक और ऑप्शन मिलेगा भाई सेटिंग का, ये देखिए सेटिंग। तो आपको सेटिंग पर चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको क्या करना है भाई, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर सारी सेटिंग मिल जाती है, आप अपने फेसबुक अकाउंट को कैसे हैंडल कर सकते हैं, यहाँ से आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, जैसे ही आप सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा भाई अकाउंट वाला एक सेक्शन, ये देखिए अकाउंट। तो उसके बाद आपको यहाँ पर आना है थोड़ा नीचे एक्सेस एंड कंट्रोल में। जैसे ही आप एक्सेस एंड कंट्रोल में आएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए भाई, दो ऑप्शन मिलेंगे, मेमोरियलाइजेशन सेटिंग एंड डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन। तो आपको क्या करना है, सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो भाई यहाँ भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक डीएक्टिवेट अकाउंट का, एक भाई डिलीट अकाउंट का। डीएक्टिवेट अकाउंट भी आप अपना कर सकते हैं और डिलीट भी। तो हमें क्या करना है भाई, हमें डिलीट करना है, तो हमें यहाँ पर जो है टिक कर देना है। जैसे हम इस पर टिक करेंगे तो इस पर टिक करने के बाद भाई यहाँ पर क्लिक करना है कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर कहेगा कि भाई अगर जी इस फेसबुक अकाउंट से जितने भी आपके पेज होंगे या कोई और आईडी होगी, तो जैसे ही आप अपनी फेसबुक आईडी डिलीट करेंगे तो आपका पेज भी वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ से आते हैं तो आपको तो भाई फेसबुक अकाउंट डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि रीजन क्या है आपके फेसबुक अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं। तो आपको सबसे ऊपर कोई भी रीजन जो है आप यहां से चूज कर लेना। तो मैं सबसे पहला ही चूज कर लेता हूं, आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन फेसबुक, तो यहां पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूं। इसको सेलेक्ट करने के बाद भाई मैं इस पर क्लिक कर देना कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर भाई बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, डीएक्टिवेट अकाउंट, गो टू एक्टिविटी, लॉक डाउनलोड इन्फो। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मेल आईडी क्या थी, पासवर्ड क्या थी, तो आप यहाँ से डाउनलोड इन्फो पर क्लिक करके वो अपना सेव कर सकते हैं। तो आपको डिलीट करना है तो आपको यहाँ पर चल जाना है सबसे नीचे डिलीट अकाउंट। तो इस पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये अपना फेसबुक का पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद का आगे का प्रोसेस जो है चालू होगा। तो आपको यहाँ पर फेसबुक का अपना पासवर्ड एंटर कर देना है। मैं अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो देखिए भाई, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड एंटर कर दिया, उसके बाद जो है कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है भाई डिलीट अकाउंट, तो आपको डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डिलीट अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा, मतलब पहले 30 दिनों के लिए आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप उन 30 दिनों के अंदर अपने अकाउंट को भाई यहाँ पर आप एक बार भी लॉगिन करते हैं तो आपका अकाउंट दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाएगा और जो है वो डिलीट नहीं होगा। और अगर आप 30 दिनों के अंदर तक अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं करते हैं तो 30 दिनों के बाद आपका अकाउंट भाई डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से भाई आप अपने फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ढूंढ ढूंढ कर मैं लाता हूं। तो भाई इसीलिए आप चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक।